हेलो गाइस, तो हम हैं रायपुर में। तो फाइनली रायपुर आ चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसएससी के। तो बेसिकली तैयारी तो ऐसे है नहीं, बट रायपुर मतलब मेरे हिसाब से ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हो बुरे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हो जाए आपका, ये भी हो सकता है ना हो, लेकिन बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई एक बार तो होने चाहिए। क्योंकि बाई चांस आपका किसी और एग्ज़ाम में होता है और फिर अगर नहीं हुआ, मतलब आपके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुई, तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो रायपुर में ऐसा कुछ है तो नहीं घूमने के लिए, मतलब एक दो जगह हैं, लेक है छोटा सा, और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, कार वार है, तो फिर नया रायपुर जैसी जगह घूम सकते हो आप। बाकी तो मेन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हो तो शांति से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। और रेलवे स्टेशन से एसएससी जेई का ऑफिस, एसएससी का हेडक्वार्टर जो है वो काफ़ी पास में। तो ये है एसएससी की बिल्डिंग, एलआईसी की बिल्डिंग जिसमें एसएससी का ऑफिस है। मतलब दूर से देखने पर लगता ही नहीं है भाई कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, ऐसा लगता है कोई कॉर्पोरेट का ऑफिस होगा। मेरा जो रेपोर्ट वाला था वो छोड़ा मुझे, तो मुझे खुद ऐसा लगा कि भाई कहाँ उतार दिया, यहाँ तो कोई एसएससी में से कुछ है ही नहीं ना। तो फिर उसने मुझे बोर्ड दिखाया, भैया ये देखो ये है, तो यही वही बोर्ड है एसएससी का, इसी को बस देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे एसएससी का ऑफिस होगा। बाकी तो कुछ नहीं है, छोटा सा एक कांच में एसएससी लिखा हुआ है, कुछ नहीं है बाकी। बाकी फोर्थ फ्लोर पे जाके है एसएससी, लिफ्ट से भी जा सकते हो, सीढ़ियों से भी जा सकते हो, गार्ड बैठा हुआ है वो इजीली आपको बता देता कहाँ से खड़ा है। जैसे ही निकलोगे सीढ़ियों से ऊपर आओगे या फिर, तो ये आपको दिख जाएगा। तो फिर आप अंदर जाके भी बैठ सकते हो अगर आपको अलाउ कर रहे हैं, या बाहर थोड़ी देर वेट कर लो अगर आपका अभी टाइम नहीं आया है। फिर जो भी आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली फॉर्म वॉर्म भरने रहते हैं, कुछ फ़ोटो वोटो चिपकाने रहते हैं, रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। और बहुत मतलब बहुत इजी है, कुछ ऐसा नहीं है जो लोग हड़बड़ाते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं अंदर जाके क्या होगा हमारे साथ। आप पहले से अपना लेके आए ही हो कि आपके जो भी प्रेफरेंसेज हैं, फिर आराम से ईजीली फॉर्म भरो, किसी से भी कुछ भी पूछते रहो जो भी मतलब पूछना हो। क्योंकि आप ऑलरेडी ना दो एग्ज़ाम पास या तीन एग्ज़ाम पास करके आए हो यहाँ पे, जो अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें थ्री टीयर होते हैं, तो वो तीन टीयर पास करके आए हो, तो आप यहाँ तक आ गए तो कोई भी आपकी हेल्प करेगा ही। यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होंगे वो भी आपकी हेल्प करते हैं, और एंड में आपको सब कुछ सारी प्रोसेस के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के दो पेज दे दिए जाते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस, एकदम चिल। तो अपन वापस आ गए रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अपनी ट्रेन है थोड़ी देर बाद, तो अपन आज ही निकलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एग्ज़ाम।